दोस्तों हमारे आया एक नया मेहमान और चाचू उसके लाए बहुत सारा गिफ्ट खिलौने। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। और आज है संडे का दिन। उम्मीद करता हूँ आपका संडे अच्छा जाए, आप रेस्ट करें और सोए बहुत ज़्यादा, और आपको अच्छे से जी भर के आराम करने का मौका मिले, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को यही मन है। आज पिछले 2 वीक 2-3 वीक से बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल पाया है, तो सोचा आज तो अच्छे से रेस्ट मिल जाए। लेकिन संडे के दिन भी बहुत सारे काम होते ही है, तो कोई नहीं, फिर भी टाइम निकाल लेंगे अपन अपना रेस्ट करने के लिए, ऐसा सोचा तो हूँ। अभी तक आगे का क्या होगा पता नहीं मेरे को। और सुबह से उठ तो गया था मैं, थोड़ा सा जल्दी ही उठ गया था, मतलब 7 7:30 बजे के आसपास उठ गया था। फिर कपड़ा वगैरह डाला धोने के लिए, और मम्मी बना रही है आज टमाटर चटनी, मटर एंड टमाटर चटनी, और साथ में है एक स्पेशल चीज़, चिला रोटी। तो आज संडे का दिन है तो सोचे कुछ अलग खाते हैं, रोज़ रोज़ रोटी सब्जी खा खा के बोर हो गया हूँ मैं। तो मम्मी बोलती है आज कुछ नया खिलाती हूँ, और आज बना रही है चीला रोटी, तो दिखाता हूँ उसको अभी जाकर। और ऐसा ऐसा आज का सीन, बहुत सारे काम है यार, ये काम ख़त्म नहीं होता। एक तो एक दिन सोचता हूँ रेस्ट करूँ, उस दिन इतने सारे काम खड़े हो जाते हैं आके कि मतलब उनको करने में पूरा दिन निकल जाता है। और वैसे आज जाना है सुमित, जाना है सुमित बाज़ार, फिर उसके बाद मार्केट भी जाना है, एक दो कुछ और सामान चाहिए। फिर शाम को हो सकता है थोड़ा सा फ्री रहूँ, लेकिन शाम को फिर लगेगा संडे यार, थोड़ा सा घूम लेता हूँ, तो देखते हैं सामने का क्या चलता है। अभी फ़िलहाल तो कपड़े धो रहे जा रहा हूँ, उसको सुखाने जा रहा हूँ मैं, और दिखाता हूँ मम्मी क्या। तो दोस्तों ये है हमारा बैटर तैयार हो गया है चीला के लिए, थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है ये तो। हाँ, और ये है धनिया, यहाँ पर टमाटर चटनी हो गई है रेडी, और ये हमारी मम्मी जो सुबह से नहा धोकर रेडी हो जाती हैं। इतना सुबह नहा क्यों नहा लेते हो मम्मी, ऊपर से संडे को, संडे को जल्दी नहाता है, संडे तो नहाना ही नहीं चाहिए बताओ। ऐसा रूल बनाना चाहिए गवर्नमेंट को कि संडे को बिना नहीं बिना नहाए रहना चाहिए, पानी बचाना चाहिए आदमी को, सेव वाटर, समझे। सुबह सुबह संडे को ही सुबह सुबह नहा लेते हो यार, कोई मतलब कुछ वो नहीं है क्या जिंदगी में काम हम नहाना है बस। लो ठीक है, बना लो बढ़िया से, और इसको बनाओ फिर मैं आगे थोड़ा सा बना शूट करूँगा। हाँ हाँ नहीं भरा है अभी, देख रहा हूँ इसको मैं बनाऊँ क्या बनाओगे बना नहीं आप ही बनाओ, अब मैं ज़्यादा टेस्टी बना दूँगा ना, फिर आपको बुरा लग जाएगा। हाँ मैं ज़्यादा टेस्टी बना दूँगा, आपको बुरा लग जाएगा इसलिए, है ना। चलो ठीक है, आप बना लो, इतना रिक्वेस्ट करो तो बना लो, ठीक है। तो चिल्ला मेकिंग इन प्रोग्रेस, उधर दो तो बन गया है यहाँ पर, और बाकी बन रहा है, और एक मैं चख चुका हूँ ऑलरेडी, तो टेस्टी तो लग रहा है। तो मम्मी और जल्दी जल्दी बनाओ, थोड़ा भूख लगे। बस बात यह है ना, इसको बनाने में ना टाइम लगता है 5 मिनट, ठीक है, और खाने में लगता है 1 मिनट, इतना मतलब पतला सा रहता है और क्रंची क्रंची रहता है। अब मैं तो कई बार होता है एक ठोको पूरा फोल्ड करके एक बार में खा लेता हूँ, इतना टेस्टी लगता है, ऊपर से आ भी जाता है मुँह में, तो फटाफट खा लेता हूँ, फिर बनने के लिए फिर वेट करना पड़ता है। और इसको गर्म गर्म खाओ तो ही अच्छा लगता है। अब जैसे बोलोगे 4-5 एक साथ बना लेता हूँ फिर खाऊं, तो जो लास्ट वाला तो गर्म रहेगा, लेकिन जो पहला वाला रहता है वो ठंडा हो जाए रहता है, तो उसमें मज़ा नहीं आता है, है ना मम्मी। बचपन में क्या होता था, मैं मम्मी मतलब गांव में थे, चूल्हे में बनाती थी खाना, तो मैं ना चूल्हे के साइड में बैठ जा रहता था, मम्मी इधर से एक चक्के देती जाती थी और मैं खाते जाता था फटाफट, है ना मम्मी। तो ये सब कुछ बचपन की यादें हैं। और फिर मैं सुबह से 5 बजे से उठ जाया रहता था, मम्मी उठती थी सुबह 5 बजे तो मेरे को भी उठा लेती थी, फिर मेरे को अपने साथ बिठा लेती थी किचन में, और मैं आग सेकते हुए बैठ जाता था बढ़िया, वहाँ पर मम्मी हेल्प करता था मोटर रोटी सेकने में और आग लगाने में, है मम्मी। और क्या क्या करता था, स्कूल तो बाद में जाता था ना भाई, सुबह से 5 बजे कौन स्कूल जाता है। हाँ सुबह सुबह रोटी सेकते थे ना 5-6 बजे, उठता 5 बजे था, मतलब रोटी वोटी 6-1 बजे सेकते थे ना, उस टाइम के बता रहा हूँ मैं। हाँ दादाजी भी टीचर थे तो भी ड्यूटी जाते थे, फिर मेरे को भी स्कूल छोड़ते थे, तो यही सब चलता था, तो उस टाइम की मेमोरीज हैं बढ़िया थी। और ये बस क्रंची क्रंची से कहा गया है, तो अब इसको निकाल लेते हैं और दूसरा डालेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आज है संडे और आज है बहुत सारे काम, उनमें से पहला काम मिल गया है, और मैं मम्मी हो गया रेडी जाने के लिए सुमित बाज़ार, और घर में राशन वाशन जो भी था कुछ कुछ चीज़ें सब लानी हैं, ख़त्म हो गई हैं।
खत्म तो नहीं हुए, थोड़ी थोड़ी बची हुई हैं, लेकिन मम्मी क्या है, मम्मी लोग ये रहते हैं ना, जैसे मैं अकेले रहता था, लड़का लड़के लोग अकेले रहते, क्या है खत्म होगा तब देखेंगे। अब मम्मी लोग क्या है, हाँ खत्म होने वाला है, पहले से रहना चाहिए। तो यही है, और आज संडे एक दिन मिलता है खाली, तो मम्मी बोली चलो, तो मैं बोला चलो। और देख रहे हो हर बार की तरह मम्मी वहाँ कम्बल लिस्ट बना के रख ली हैं, तो देखते हैं वहाँ क्या क्या चीज़ें, वैसे तो सब मिल जाएगी। और इसमें जितने जैसे इसमें कितना सी चीज़, 15-16 चीज़ लिखा है, और लेके कम से कम 25 चीज़ें आऊँगा मैं, मेरे को पता है 100% गारंटी है मेरी। तो चलते हैं वहाँ और क्या क्या सीन है वहाँ देखते हैं। अरे यार मूवी भी लगी है, लेकिन मूवी का ऐसा है कि टाइम मिल नहीं पा रहा है, आज की कल में देखते हैं कुछ ना कुछ करके, हमको मूवी देखनी है मेरे को, तो देता हूँ फिर क्या सीन है, रिव्यू भी बताऊंगा आपको कैसा है, मेरे एंगल से क्या लगता है मुझे। वैसे तो आप सबने अगर रिव्यू देख ली होगी या मूवी भी देख ली होगी, तो चलते हैं अभी, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, नहीं तो भूख लग जाएगा, फिर लंच टाइम हो जाएगा, और उससे पहले आप वापस आ जाए। तो पहुँच गया अपन सुमित बाज़ार, और ये वाला मूवी है जिसके बारे में बात कर रहा था, जो देखने आना है मुझे, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। चलें मम्मी अंदर। और ये मूवी बहुत मच रेटेड मूवी थी, इधर लॉन्च होने वाला था, लेकिन VFX वगैरह काम था इसलिए नहीं हो पाया था। तो चलते हैं अपनी शॉपिंग। और उनके बर्तन से ऑब्सेशन, बर्तन कितने बर्तन चाहिए पता नहीं मम्मी लोग को, जितना भी बर्तन रहे कमी ही पड़ते रहता है। देख लो देख लो देख लो, जो चाहिए ले लो, खाली सेट। नहीं आ रहा पसंद कुछ? हाँ हो गया, देख लीजिए। हाँ चलो आगे चलो, नहीं पसंद आ रहा तो आगे चलो। इधर से कुछ चाहिए, प्लेट प्लेट डब्बा चाहिए, डब्बा छोटा छोटा बहुत सारा डब्बा, उधर उधर बहुत सारा डब्बा है, ठीक है देख लो। डब्बे ख़त्म नहीं हो रहे, प्लास्टिक का नहीं है, पूरा कांच वाले हैं, नीचे वाला नीचे भी कांच है। चलो प्लास्टिक वाला उधर दूसरी तरफ मिलेगा, टिफिन विफिन रखा बोला था 15 सामान तो मैं लेने वाला हूँ नहीं, 15 से 50 हो गया लग रहा है देख के। हैं आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? नए नए सामान खोजते रहते हो आके? हाँ मैं ढूंढो कौन नया नया बर्तन वर्तन ये वो डब्बा वब्बा इसे देख रहे हो, इतना सारा सामान भर गया अभी, मेरा बहुत सारा बिल बनाएंगे मम्मी मेरा इस बार भी। कितने का बिल बनेगा बताओ, चलो प्रिडिक्ट करो कितने का बिल बनेगा? 4,000? इतना नहीं जाएगा, जा भी सकता है, बहुत महंगा महंगा चीज़ खरीदे हैं। लेट्स देखते हैं कितना बनता है बिल। मकर संक्रांति और हमारे यहाँ लड्डू का प्रिपरेशन चालू हो चुका है बनने के लिए। यहाँ पर गुड़ को गर्म कर लिए हैं, पिघला लिए हैं, और उसमें तिली और फली दाना को मिक्स कर रहे हैं। थोड़े से लेट हो गए हैं, शाम हो गया है, लेकिन कोई नहीं, आज के दिन तो बन गया। वैसे कुछ जगह आज है, कुछ जगह कल है, तो हम लोग आज बना ले लड्डू, फिर इसको खाएंगे बढ़िया से। और चाचू उसके लाए बहुत सारा गिफ्ट, खिलौने। बिट्टू इधर ऐसे ऐसे बसता है, लो खेलो आराम से बैठ के, ठीक है? हम लोग काम कर लेते हैं, खाने का नहीं है बिट्टू, खाने का नहीं है जी, खेलने का है। इधर बाहर फेंक, इधर फेंक दिए, लो खेलो आराम से।
ऐसे बजता ऐसे। हाँ आ रहा हूँ। हेलो दोस्तों, तो गई है शाम और आज भैया लोग थोड़ा सा रूम वगैरह शिफ्ट किए, तो उनके हेल्प करने में पूरा शाम निकल गया और शाम करते करते फिर अभी 9 बज गए लगभग। तो अभी आए हम लोग डिनर करने के लिए फूडीज़ में, जो कि वालद के बस स्टैंड में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, फैमिली रेस्टोरेंट है और वेज वाला है सबसे बड़ी बात। तो अपन वहाँ आ गए हैं, अभी बढ़िया डिनर करेंगे फिर वापस से जाकर सोएंगे। उससे पहले आपको सुनाऊंगा एक अच्छी वाली स्टोरी। तो ऐसी यही सब था आज का, और फिर बहुत सारे सामान वान खरीदने थे भैया के रूम के लिए भी, तो उसके लिए फिर 2-3 बार 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 मार्केट जाना पड़ा। फिर कभी लाइट ले रहे हैं तो कभी कुछ और ले रहे हैं, कभी बहुत दिन से अभी यहाँ रह नहीं रहते तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो यही सब चीज़ें करते करते कब टाइम बीता पता नहीं चला। पहले तो साफ सफाई इतना टाइम लग गया, नए घर में जाओ तो ऐसा होता है ना कि पहले साफ सफाई करना पड़ता है, ऊपर से वो सामान शिफ्ट किए थे तो सब पड़ा हुआ था ऐसे ही, तो सब अरेंज करो फिर साफ सफाई करो, ऐसे में बहुत टाइम लग जाता है। तो हम लोग लगभग 5-6 बजे के लगभग से भिड़े थे, तो अभी 9 बजे फ्री हुए हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट किए प्रॉपर, उसके बाद अपन आए डिनर करने के लिए। तो भैया लोग भी पहुँच गए हैं, चलते हैं डिनर करते हैं। और डिनर में बहुत भूख लगी है, क्या क्या खाऊँगा बहुत सारा खा जाऊँगा लग रहा है आज, तो कल जिम भी जाना है तो उसका भी ध्यान रख के खाना पड़ेगा। तो मिलता हूँ फिर एक अच्छी स्टोरी के साथ और आगे की अपडेट्स देता हूँ मैं क्या चीज़ थी। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 11 और हो चुकी है मेरी घर वापसी, खाना वाना खा के आ गए हम लोग। और आज के खाने के बारे में क्या ही कहूँ मैं, मतलब आज का खाना इतना वाहियात था, जितने भी हम लोग स्टार्टर मंगाए, मेन कोर्स मंगाए, जो भी चीज़ें मंगाए सब बहुत ही ज़्यादा वाहियात। कैसा था मैं बताओ तो। मम्मी बोल रही, मम्मी की एक चीज़ पसंद नहीं आया। ऐसे तो मम्मी को जो अपन मंगाते हैं स्टार्टर वगैरह वो पसंद आता है, और खासकर क्रिस्पी कॉर्न, इन आज का क्रिस्पी कॉर्न तो क्रिस्पी ही नहीं था, बहुत अजीब बना दिए थे लगता है जो, मतलब यहाँ से कई बार तो और अपन खाए हैं लेकिन इस बार कोई ना कुक चेंज हो गया या कुछ हो गया है, पता नहीं क्या दिक्कत है, तो ना बहुत बेकार बना था आज का, एकदम मन उतर गया। उससे अच्छा लग रहा था मैं स्प्राउट्स खा के ही सो जाता घर में, वो ज़्यादा बेटर होता। और बहुत जोर भूख लगी थी तो वहाँ जाने के बाद पूरा मन उतर गया खाने का, और पेट में लग रहा है इतना अजीब था, इतना ऑयली था मेन बात, तो लग रहा है कल का हालत मत बैंड हो जाए, पेट वेट ख़राब मत हो जाए, ये डर लग गया मुझे तो। और अभी हो गया मतलब 11 बज गए लगभग, तो हो चुका है सोने का टाइम। तो आज की स्टोरी आपको सुना देता हूँ, जिससे आप अगर आप रात को देख रहे हैं तो आपको स्टोरी सुन के नींद आ जाएगी, और अगर आप सुबह सुन रहे हैं तो आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, ये गारंटी मेरी है। तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, और ये कहानी आपको ये सिखाती है कि कैसे आपके पास जब कभी आपको लगता है कि आपके पास रास्ते ख़त्म हो गए या फिर आपके पास ऑप्शंस ख़त्म हो गए, तो हमेशा आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक अदर ऑप्शन रहता है, जिसको कोई ना कोई नया रास्ता रहता है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और उसके लिए आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। तो एक बार की बात है, एक साहूकार रहता है गांव में जो लोगों को बहुत मतलब उधार पैसे देता था, और उसका दिन ऐसे ही चलता था, उधार पैसे देता था फिर उससे मोटी रकम वसूलता था दूसरों से, छोटे किसान रहते थे, छोटे दुकानदार रहते थे उनसे, और वो थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका था और बहुत बदसूरत व्यक्ति था। उसका दूसरी तरफ था एक दुकानदार था जो छोटा सा दुकान चलाता था, लेकिन उसकी दुकान उतनी चल नहीं पाती थी, तो उसको अपना घर का खर्च चलाने के लिए थोड़े थोड़े पैसे लेकर, वो बहुत सारे उधार के पैसे ले चुका था इससे साहूकार से। और दुकानदार की एक बेटी थी जो सुंदर थी, तो एक बार की बात है जब बहुत सारा कर्ज हो गया तो साहूकार ने दुकानदार को बोला आप मेरा कर्ज चुकाओ। तो साहूकार बोला मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं अचानक इतना बड़ा कर्ज है उसको चुका नहीं पाऊंगा। तो साहूकार थोड़ा सा बुरा व्यक्ति भी था, तो उसने जो दुकानदार उसके सामने प्रस्ताव रखा कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूँगा तो मैं तुम्हारे पूरे कर्ज माफ़ कर दूंगा। तो फिर दुकानदार थोड़ा सा गुस्सा हो गया कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं। तो साहूकार बोलता है चलो मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, तुम्हारी बेटी को चूज़ करने देते हैं कि वो उसके मतलब उसके किस्मत में है मेरे से शादी करना या नहीं करना, और तुम्हारा कर्ज भी चुक जाएगा। तो मैं 2 ऑप्शन ऐसा है कि एक थैले में मैं 2 कंकड़ डालूंगा, एक सफ़ेद एक काला, ठीक है, अगर 2 काला मतलब काला पत्थर अगर आपकी बेटी झोले में से निकालती है तो फिर मैं आपका कर्ज तो माफ़ कर दूंगा लेकिन आपकी बेटी को मेरे से शादी करना पड़ेगा, और अगर थैले से सफ़ेद कंकड़ निकला तो मैं आपके कर्ज माफ़ कर दूंगा लेकिन आपकी बेटी को मुझसे शादी नहीं करना पड़ेगा। तो इस बात में दुकानदार राजी हो जाता है, चलो ठीक है। तो फिर एक दिन जो साहूकार है वो आता है दुकानदार के घर
और उसके सामने ही जो बहुत सारे कंकड़ पत्थर रहते हैं घर के सामने, वहाँ से 2 कंकड़ उठाकर थैले में डाल देता है। तो जब वो थैले में डालते रहता है कंकड़, तो उसकी बेटी थी वो देख लेती है कि जो साहूकार है उसने 2 काले पत्थर ही डाले हैं। तो अब लड़की के पास 3 ऑप्शन थे, या तो वो निकालने से मना कर देती, मैं नहीं करना, मतलब ये मैं नहीं करूँगी, या तो दूसरा ऑप्शन था कि दोनों कंकड़ एक साथ निकाल देती और एक्सपोज कर देती साहूकार को कि ये इसका मतलब नीयत खराब था और ये जानबूझकर ऐसा करना चाह रहा था, और तीसरा ऑप्शन ये था कि वो जानते हुए कि दोनों काले पत्थर हैं उसमें से एक काला पत्थर निकालती और अपने पिता के जो कर्ज माफ के लिए अपने आप को बलिदान कर देती, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती। तो यहाँ पर 3 विकल्प थे। अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे, तीनों में से कोई एक विकल्प चुनी होगी लड़की, है ना? थोड़ा सोच लो, मैं आपको टाइम देता हूँ, आप अपने मन में बना लो कि लड़की ने क्या चूज किया होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ था। तो अब मैं बता देता हूँ, आप लोग सोचते रहिए पॉज करके, उसका जब आप अपना दिमाग लगा ले तीनों में से, तो फिर आगे की स्टोरी सुनिएगा। तो अभी रास्ते, लड़की के पास 3 ही रास्ते थे जो मैं बता रहा था, और आप लोग को भी लग रहा है कि हाँ यही 3 ऑप्शन तो हैं, या तो वो दुकानदार से चुपचाप शादी कर ले, या तो दुकानदार को एक्सपोज कर दे, या तो फिर वो मना कर दे सीधा। लेकिन लड़की ने चुना चौथा रास्ता। चौथा रास्ता क्या था, लड़की बहुत समझदार थी, है ना? तो उसने क्या किया, हाथ तो डाला बैग में कंकड़ निकालने के लिए, और कंकड़ किसी को दिखाने से पहले ही उसने नीचे गलती से गिरा दी। गलती से नहीं, जानबूझ के गिराया, लेकिन बाकी लोग को ऐसा लगे कि गलती से उससे कंकड़ गिर गया। तो अब फिर साहूकार थोड़ा सा समझा से पड़ गया, क्योंकि वो तो 2 काले पत्थर रखे थे बैग में, तो क्या किया जाए। तो लड़की बोलती है, लड़की समझदार थी और बहुत चालाक भी थी, मतलब बुद्धिमान थी, जैसे बिरबल बुद्धिमान रहता है वैसे लड़की बुद्धिमान। तो लड़की बोलती है, अरे मेरे से तो कंकड़ गिर गया, लेकिन जो बैग में दूसरा कंकड़ है उसको देखने से पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था, तो फैसला हो जाएगा। तो साहूकार थोड़ा सा पहले तो वो हो गया, शर्मिंदा हो गया, और अपनी चालाकी जो दिखाना चाहता था वो नहीं दिखा पाया। तो उसे बहुत इस बात का रिग्रेट हुआ कि मैं क्या कर रहा था और ये लड़की इतनी बुद्धिमान है जिसने मुझे हरा दिया। तो फिर वो चुपचाप ऐसे अपने थैले से निकालता है और से काला जो निकलता है, काला पत्थर निकलता है। तो फिर सब लोग थे वहाँ पर आसपास, तो साहूकार अपनी बेइज्जती तो कराना नहीं चाहता था, तो उसने ये मान लिया कि हाँ दूसरा पत्थर सफ़ेद पत्थर था और लड़की ने जो उठा निकाला था, तो मैंने उन लोग का कर्ज माफ़ किया और इस लड़की को मुझसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी आज की सीख, कि जैसे मैंने बताया आपके सामने 3 रास्ते थे, लेकिन चौथा रास्ता भी आप ढूंढ सकते हैं। उसके लिए अपने अपने नज़रियों को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और अपने सोच को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा कि हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं कि नहीं। और अगर छोटी सी सोच या छोटा सा थोड़ा सा मेहनत करें हम लोग, तो हम लोग यकीनन अपने जो रास्ते हैं, नए रास्ते अपनी परेशानियों को, परेशानियों से निपटने के लिए वो ढूंढ सकते हैं और अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।